पास्ता खाते आज पार्टी मैं दे दूं, आप दोगे? आज पार्टी मैं दे देता हूं। ये तो नहीं कैमरा ऑफ करके पता चले भाई पैसे दे, ये नहीं होना चाहिए सीन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्थेटिक पुनीत, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक है। अपने सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग, आज जल्दी उठ गए, अर्ली मॉर्निंग मतलब 8-9 बजे अपने रेडी भी हो गए। आज हम जा रहे हैं, कोई स्पेशल व्लॉग है, पता क्यों हम जा रहे हैं? अपने कॉलेज जो कि 2 साल पहले ख़त्म हो चुका था, ठीक है, बस कुछ डॉक्यूमेंट लेने, डॉक्यूमेंट क्या, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। तो बड़ा दिन है कि देखते कॉलेज हमें कैसा कैरेक्टर देता है, गुड या बैड, इस व्लॉग में बने रहो। आगे चलते, एक और फ्रेंड जा रहा है, साथ चलते हैं। चल वैसा धूप है नहीं, इनकी जरूरत है नहीं, वैसे भी धूप है नहीं, कर्टेंस की जरूरत है नहीं। मैं YouTube पे सारे व्लॉग वगैरह देख रहा हूँ, लाइक वेक सब कर रहा हूँ। पक्की बात है? हाँ भाई, सब्सक्राइब करा हुआ है? सब करा हुआ है मेरे भाई। चलो बढ़िया। ये जो व्यू है ना भाई, 5 साल ये व्यू डेली देखा है। आज 1 साल बाद 2 साल बाद आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहा है, साफ हो गया, साफ हो गया। वैसे हम मोटिव क्या है हमारा जाने का, किस काम से जा रहे हैं? सर्टिफिकेट, और वो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। वकालत स्टार्ट करनी है। अच्छा ये तो बताओ, हमारी वकालत कब खत्म हो गई थी? भाई हमारी वकालत हो गई थी, अभी हुई है, 1 साल हो गया खत्म हुए। नहीं मतलब जो ओरिजिनल वाली, ओरिजिनल वाली हाँ 1-2 साल ही तो हो गए। हाँ 2 साल हो गए ना, 2021 में खत्म हुई थी, पर हम आज जा रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने 2023 में, और वो भी गुड मिले या बैड मिले कोई पता नहीं। छोए भाई कान को हाथ लगा लिए अब तो। सो गाइस, कुदरत का करिश्मा देखो, दिल्ली में इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है, पेड़ गिर गए, बिल्डिंग गिर गई, और ग्रेटर नोएडा में कितना किलोमीटर है ये? 44 किलोमीटर, और ये धूप निकली हुई है, 31 डिग्री हो रहा है। 31 डिग्री इसमें शो नहीं कर रहा क्या? अच्छा वहाँ कर रहा है, इसमें 31 लिखा हुआ आ रहा है इसमें। आदित्य भाई ये जगह याद है? यहाँ भाई बिल्कुल, अगर हमने अपने 5 साल भाई सब खराब हो गया, सब ये खराब। भाई क्या हो गया, ये तो सब उजड़ गया भाई, पता नहीं तेजी बारिश आई कल ही आई यहाँ पे। हमारी मेमोरीज ये थी कि अगर हमने 5 साल यहाँ खराब ना करे होते ना, ठीक है, तो आज हम सही मतलब यहाँ के चक्कर नहीं काट रहे होते कॉलेज के। तो फाइनली अपने कॉलेज भी आ चुके हैं, और हाँ भाई आ गए बिल्कुल, अब बस उम्मीद है दर्शन कर लो। वैसे किसी ने सही कहा है कि जिस चीज से भागो ना वो चीज आपको पीछा छोड़ती नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा आना पड़ेगा, तो 2 साल बाद दोबारा आना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, लाइफ है। सामने लगा देता भाई, तो हमारे कॉलेज को डिफेम कर रहा है। निकल गए 2016-21 में, अब नए बच्चे आ रहे हैं एडमिशन के लिए, नए बकरे आ रहे हैं सही, कटने के लिए कटने के लिए, लाल होने के लिए। इनसे बोल देना अब काम हो जाना चाहिए। वैसे भाई हम कॉलेज आए और हमारा जो है ना काम कोई टाइम पे हो नहीं सकता भाई, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, वो इसलिए इन जब भाई तक की भाई मेरे 13,000 स्टेप नहीं हो जाएंगे ना दिन के यहाँ पे आने के बाद। नहीं यार कभी सोचते ना कि कहीं जाएंगे तो ठीक है काम आसानी से हो जाएगा, पर यहाँ आते ना कभी होता ही नहीं है टाइम। अब दिक्कत ये हो गई, भूख लग रही है मेरे को, भूख लग रही है भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं है, वैसी आंखें देखो खत्म पड़ी है बिल्कुल ही अंदर से। तो अब क्या करना है, बुक्स लेके आनी है भाई, अब ये काम निपटाना है पूरा अच्छे से। मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ, क्या कुछ खाने का, हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए NOC चाहिए, अब NOC लाइब्रेरी से भी चाहिए। इन भाई की एक कॉन्ट्रैक्ट की बुक थी, खरीदी क्यों, पढ़नी थी नहीं, अब रिग्रेट हो रहा है लेनी नहीं चाहिए थी तो भाई। वो मिसप्लेस हो गई, कुछ भी है, काफी टाइम हो गया, हो ही जाती है। अब ये लोग कह रहे हैं या तो पे करो या नई बुक ला के दो, तो हम जा रहे हैं नियर बाय कोई मार्केट है, वहां से बुक देखेंगे, सेकेंड हैंड पकड़ाएंगे, नई की तो औकात नहीं है इनकी, ठीक है। क्यों सही कह रहा हूँ, देने का मन नहीं है भाई, देने का। चलो काम तो हुआ, ये बुक थी जिसने जीना हराम कर रखा था, कट कर रहा हूँ भाई।
पता चले कैरेक्टर में बैंड भी ना दे वास्ट और केस और कर देंगे। यार ऐसा लग रहा है मेरे को तो मारियो खेल रहा हूँ मैं। उतार चढ़ाव आई जा रहे हैं। आते हैं भाई, गेम नहीं खत्म हो रही है। कोई नहीं, आउटिंग तो हो गई। देखो ना आउटिंग, ये आउटिंग देखो, ये आउटिंग है। ओए होए होए, घर जाने भाई को। अब सारी क्लियरेंस तो हो गई, बस अब मेन है कि सर्टिफिकेट इशू हो जाए और मुझे भी अपना सर्टिफिकेट का कुछ इशू है वो भी ठीक हो जाए, फिर चलते हैं मिलते आगे। यस चल भाई, अपने क्लासरूम देखते हैं। पुराने दिन। पता है एंड में बैठा करता था मैं, देख वहां पे ये थी अपनी बेस्ट प्लेस। चल भाई आखिरी बार लास्ट टाइम देख रहे हैं, अब नहीं देखना चाहिए भाई, इसके बाद नहीं आएंगे। चलो पीस आउट। वैसे बहुत सारी मेमोरीज है अपनी, बहुत है भाई यार। इस क्लास के अंदर तो कमी है, बाहर ज्यादा है। बाहर ज्यादा है। सो गाइज फाइनली अपना सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है। जो उम्मीद नहीं थी, कैरेक्टर मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी में बैठ के क्या कैरेक्टर लिखा है अपना। कमेंट कर दो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। हम तो बैड ही मानते हैं अपना, बाकी पब्लिक क्या मानती है उसका पता नहीं। इसमें लिखा हुआ है गुड कैरेक्टर और हमारे भाई का भी गुड कैरेक्टर। ओहो परसेंटेज देखो, 80% क्या है, अटेंडेंस है। दे दी बस किसी भी, हमें पता कितनी थी हमारी अटेंडेंस। ओ भाई खैर जो भी है, मुबारक हो मेरे भाई। मुबारक हो आपको भी, आपको भी सर्टिफिकेट आ चुके हैं। कैरेक्टर हमारा गुड ही था, मैं मजाक कर रहा था, बैड ठीक है। और जिसके लिए बैड है वो तो बैड है ही। ओहो भाई अब कुछ खाना वाना खिलाओ यार, भूख लग रही है। पेट पूजा कर ले, पेट पूजा हो जाए, सब हो गया काम। पास्ता खाते, आज पार्टी मैं दे दूं। आप दोगे? आज पार्टी मैं दे देता हूँ। ये तो नहीं कैमरा ऑफ करके पता चले भाई पैसे दे, ये नहीं होना चाहिए सीन। चलो देखते हैं, जगह डिसाइड करते हैं पहले। यहाँ पे तो भाई सब उजड़ गया। अभी स्टार्टिंग है। हाँ भाई अभी, अभी तो और कुछ भी बाकी है भाई अभी। चलो जी आदित्य भाई सरप्राइज देते रहेंगे, ठीक है। और भाई पक्का? बस भाई आ गया। और मैंने सोचा था कैमरा ऑफ करूंगा, भाई बोलेंगे कि एक काम कर पैसे दे दे यार, पर मांगे नहीं, कुछ भी नहीं सकते थे। में इतनी धूप थी ना भाई, यहाँ इतनी गर्मी और ये देखो बारिश। अपना इस हिसाब से तो दिल्ली बेस्ट है, यही है भाई कुदरत के जल्बे है ना भाई। ओवर भी नहीं होना चाहिए कुछ भी, लिमिट में किसी को नुकसान ना हो, बस फिर ठीक है सब। हल्के फुल्के बारिश है और अपने पनीर तो खत्म ही हो गया खैर। अभी तो यार खाएंगे, यार प्रॉपर खाएंगे, तो बस स्टार्ट करते हैं यार ऐसी। चलो जी आगे दिखाते हैं आपको। आओ, क्या नेक्स्ट मील है? नेक्स्ट मील अभी और आइटम आएंगी धीरे धीरे। आएंगी आएंगी भाई, ये चिले पटेटो आप खिलाओ अब बढ़िया भाई। मैं जगह जगह से अब ये बताओ, मेरे दिमाग में तो खत्म हो गई है जगह अच्छी अच्छी, जो तो मेरे को याद थी वो मैंने बता दी। सुनो तो सही, पार्टी तो दे रहे हो। हाँ भाई जिम जाके तो मुझे कम करना पड़ेगा ये जिम में। यार एक दिन में हो जाएगा सारा कुछ, हम इतने हार्डकोर वर्कआउट करते हैं यार। खैर कोई नहीं, कभी कभी चलता है चीट मील्स। बिल्कुल भाई इंजॉय करते हैं अपने। चल क्या हो गया आदित्य भाई, क्यों इतने उदास हो यार? तुमने बार बार एक ही चीज बोल के चेक कर लो से वही हो वही हो भाई। बोल के भाई तुमने टेंशन दे दी यार। भाई मेरी तो आदत है खुद डिप्रेशन में जाने की और बंदों को डिप्रेशन में डालने की। तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? दोबारा चेक कर लूं यार, डिटेल सेम ही है भाई। क्या था उसमें 535? हाँ 535 था, इतना मुझे पता है भाई। इसमें तो लिखा ही नहीं, बंदा इतना डिप्रेशन में आ गया था, कार गाड़ी रोक दी बीच रास्ते में।
क्या हो गया आदित्य भाई, कोई बात यार वहम हो रहा है यार, वहम हो जाता है, प्रॉब्लम है ना, पैदाइशी पैदाइशी नहीं, कोई चीज सही हो जाए ना तो हजम नहीं होती, हाँ भाई काम हो गया, काम हो गया, सही बात है, सही सही तरीके से हुआ ही नहीं हुआ। अच्छा दस बार चेक करने के बाद फिर तसल्ली, मैं बताऊँ सीन क्या हुआ, जब तुम्हारा फोन आया ना उस दिन तो कि भाई रिजल्ट चेक कर लो, मैं रिजल्ट चेक करा ऋषिकेश पहुंच के, जाम लगा हुआ था, मैं ड्राइवर सीट पे साथ में बंदा बैठा हुआ, मैंने ऐसे ना अपना रिजल्ट चेक करा भाई, एकदम से ना क्या होता है नीचे पास लिखा आता है, मैंने मार्क्स नहीं देखे, पास लिखा हुआ, वो मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, पास हो गया तुम्हारा भाई, मैंने फोन ऑफ करा अपना, मतलब फोन मतलब विंडो वगैरह क्लोज करी, साथ वाले बंदे को बोला यार तू इधर आ फटाफट, वो कह रहा पता नहीं भाई क्या बात होगी क्या बात होगी, मैंने उसे बताई नहीं भाई, मैंने तसल्ली से देखी कि जब आ गए ना मेरे मार्क्स नीचे लिखे हो और पास लिखा हो ओवरऑल, भाई जब जाके संतुष्टि, और केदारनाथ का इतना ट्रिप अच्छा गया जब जाके, अगर फेल हो जाता ना मेरे भाई मैं आता नहीं वापस दिल्ली, टेंशन हो जाती है यार, टेंशन यार 7 साल हो गए, जुड़ी हो गई 5 साल के बाद, 7 साल हो गए, अब 8वां साल कौन लगा, ये तो यूनिवर्सिटी भी नहीं देती 8वां साल तो क्या ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए, अब हो गया जो हो गया, यकीन ही नहीं हो रहा अभी तक, यकीन नहीं हो रहा यार क्या हमारे साथ सही हो गया, अरे यार ऐसे हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता ना, कहीं ना कहीं भगवान उलझा ही देता है, चलो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, मिलते हैं दोबारा। आदित्य भाई क्या कर रहे हो तुम, आगे वाली गाड़ी में ठोक दी तुमने, अरे यार वो चलते चलते रेड लाइट हो गई, ग्रीन थी चल पड़ी, फिर ब्रेक मार दी यार, चलो कोई बात नहीं, ये तो सुंदर थी है ना, हाँ भाई दोबारा ठोक देगा दोबारा भाई, अगर उतर के आएगी दोबारा बोलने के लिए तो दोबारा ठोक दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आएगी ना तो चाटा मार के जाएगी फिर भाई रिस्क है, रिस्क है, जिस चीज में प्रोबेबिलिटी हो ना वो हाँ। चीज नहीं करनी चाहिए, छोड़ दो, फर्स्ट टाइम तो उसने वार्निंग दे दी, प्लीज बी केयरफुल, सोच लो दोबारा ठोकनी है नहीं भाई अपनी अपनी नई गाड़ी लिखवा लेगी है ना, कहेगी नई गाड़ी लाके दो, चलो मिलते हैं, नाइस टू मीट यू, आज के दिन यही फिनिश करते हैं, फिनिश करते हैं, नहीं अभी तो मैं जिम भी जाऊंगा, खैर शाम को जाना है यार, जिम जरूरी है, जिम जरूरी है, जो मर्जी हो जाए जिम तो जाना, पनीर खा लिया, चिली पटेटो खा लिया, पेट निकल गया थोड़ा कार्डियो ही करेंगे, चल नाइस टू मीट यू, ओके काम हो गया, मिलते हैं बाद में, बाय टेक केयर, कांग्रेचुलेशंस एक बार और, अब कल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, बेल का आइकन दबाना है, पहले कमेंट भी करना है, फिर लाइक करना है और फिर कमेंट, कमेंट जरूर सुन लिया, अब करना है, भाई ने बोल दिया तो करना है, और ऐसे बढ़िया व्लॉग्स आते रहेंगे, हंसी मजाक वाले, आप लोग बस सपोर्ट करो और मजे आएंगे फिर, बस भाई भी चैनल अपना बनाएंगे, बिल्कुल भाई पक्का आने वाले टाइम में मिल जाएगा, अपडेट आपको, अब आगे मिलते हैं, ठीक है, हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है, थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद चलेंगे हम जिम, बाकी आपको आगे मिलते हैं। सो गाइस उठ चुके हैं दोबारा, रेस्ट हो गया अपना, ठीक है, अब दिक्कत ये हो रही है जिम जाना था और ज़रूरी जाना था, वो इसलिए कार्डियो करना यार बहुत टाइम हो गया, और ये पेट ना पहले एब्स थे अच्छे वाले, अब बाहर आ गया पेट दोबारा, और आज सुबह से मतलब ढंग से कुछ खाया नहीं, उल्टा सीधा खाया, तो सोचा कि जिम चलते हैं अपना, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, पर दिक्कत यह है कि बाहर बारिश हो रही है, दिखाता हूँ आपको, चलो कुछ हो रही है, पूरे दिल्ली में बुरा हाल है, दिल्ली और अपने क्या नाम है आउट ऑफ दिल्ली भी, ग्रेटर नोएडा में थोड़ी बहुत धूप निकली हुई थी, तो वापस रेस्ट कर लेते हैं, जब बारिश बंद होगी फिर चलेंगे जिम, और अगर बारिश बंद नहीं हुई तो क्या करेंगे, तो जो भी करेंगे वो आपको दिखाएंगे। सो गाइस फाइनली जिम आ चुके हैं, कैसे ना कैसे करके बारिश रुकी और हम आ गए, तो हमारे पुनीत भाई सुपरस्टार देख लो भाई बंदे कैसे बेइज्जती कर रहे हैं, मैं इससे कह रहा मैंने कहा कॉलेज गया था आज मैं सर्टिफिकेट लेने, तो मेरे से कह रहा आराम ज्यादा, कह रहा है कि बच्चों को खुद के बच्चों को कॉलेज सॉरी स्कूल छोड़ने की उम्र में खुद कॉलेज जा रहे।
सो गाइज जिम से वापस आ चुके हैं, रेस्ट मोड पे जाएंगे अब। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सुबह से हालत ख़राब हो रखी है, जल्दी उठ गए थे। ठीक है, और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।